मजहबी तब्दीली को लेकर मुसलसल राज्यसभा में को मुतासिर किया जा रहा है, कामकाज रुकावट हो रहा है, ठप हो रहा है। हमारे साथ जेडीयू एमपी अली अनवर अंसारी साहब हैं। सर, आज फिर रुकावट डाली गई राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान। देखिए, हम लोग रोज सोच के आते हैं कि आज सदन की कार्रवाई चलाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं जनता के, लेकिन उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो अपना देश है। अपना देश एकजुट रहेगा, देश में शांति रहेगी, अमन चैन रहेगा, सांप्रदायिक सद्भाव रहेगा, सामाजिक समरसता रहेगी, तभी न देश की तरक्की होगी। तो इनके लोग जिस तरह का सिलेंडरस और जहरीला बयान दे रहे हैं, जब तक उसको रोक नहीं लगेगी तब तक बाहर कोलाहल है, तो उसका प्रतिबिंब और उसकी अनुगूंज तो सदन के अंदर सुनाई देगी ही। लेकिन इनके जो एमपी जिस तरह का बयान देते हैं, अगर वजीर बयान देते हैं, वो पार्लियामेंट में माफी मांग लेते हैं, उसके बावजूद इस तरह की रुकावट क्यों डालती है? आवाम को बहुत उम्मीदें हैं उनके एमपी से। नहीं, ठीक है, वो माफी मांग लेते हैं, फिर बाहर जाकर के वही बयान दे देते हैं, दूसरा कोई बयान दे देता है, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? प्रधानमंत्री जी ही न लेंगे। हम लोग तो आरएसएस को नहीं पकड़ेंगे, इसलिए कि आरएसएस तो कोई जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि नहीं है, ये तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो ये जवाबदेह हैं पार्लियामेंट के प्रति, तो हम लोगों का दायित्व तो बनता है, हम लोगों की ड्यूटी है कि इनसे हम लोग जवाब तलब करें। सर, आरएसएस की जो जैली तंजीम है, उसने जो 25 तारीख को जो ऐलान किया था कि वो मजहबी तब्दीली का प्रोग्राम का इनाकाद करेगी, उसने उसको मुलतवी कर दिया। अब फिर क्या दिक्कत है? कैसे भरोसा करें? इसी बात को आए हैं प्रधानमंत्री जी ओन करें। अब वो आप कह रहे हैं कर लिया, लेकिन ये भी उनके नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम अलग अलग घरों में 10-10 करके, 5-5 करके वही काम करेंगे। वजीर आजम नहीं आएंगे, कार्रवाई नहीं चलने देंगे आप लोग, इसके लिए वो जवाबदेह हैं। और वो उन ये दोनों हाउस इस बात के लिए अधिकार है, हमारे प्रिविलेज का सवाल है, उनको आना पड़ेगा, क्यों नहीं आएंगे। तो अली अनवर अंसारी साहब का साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो, वजीर आजम को पार्लियामेंट में आकर बयान देना होगा और रोक लगानी होगी अपने उन तमाम एमपी और वज्रा पर जो इस तरह का बयान देते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।